चाहते हैं कि इनके थ्रू ये लेटर जाए और इस लेटर में है इरेगुलरिटी इन डीएसएसबी वर्किंग कल्चर, मतलब बच्चों का जो रिक्रूटमेंट होता है, जो नियमित भर्ती होती है उसमें क्या क्या कमियां हैं वो दूर की जाए। तो ये हमारे कुछ पॉइंट हैं सर, आप इन्हें देखिए और एक बार इनको इम्प्लीमेंट करने की कृपा करें। हमने नोट किया है कि डीएसएसबी में जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं और खासकर हमारे टीचर्स का जो हम लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट है, हमने देखा है कि दो दो साल अपने प्रोसेस में कंप्लीट कर लगा देते हैं और जो 2001 की दिल्ली हाईकोर्ट की गाइडलाइंस हैं इनके लिए, ऑर्डर है एक तरीके से कि 8 महीने के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट करना है, वो कभी भी फॉलो नहीं हुआ। और दिल्ली सरकार के लिए भी ये निर्देश था कि जब नया सेशन शुरू होता है तो उस वक्त 0 वैकेंसी होनी चाहिए, लेकिन अगर आज भी हम देखें तो लगभग दिल्ली सरकार के अंदर 35,000 टीचर्स की वैकेंसी जो है ना आज है, और इसी तरीके से कॉरपोरेशन के अंदर भी कम से कम 8,000 पोस्टों की वैकेंसीज हैं। और अभी जो इन्होंने रिक्रूटमेंट करके डोजियर भेजे हैं डीएसएसबी ने एमसीडी में या दिल्ली गवर्नमेंट में, वो बड़ा ही धीरे धीरे प्रोसेस से जो है उनको अपॉइंटमेंट लेटर जो है दिए जा रहे हैं। अभी कुछ ही लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर मिले हैं जबकि बहुत पहले दे देना चाहिए था। तो अभी जितने दौर में वो इन्होंने एक प्रोसेस कंप्लीट किया, अभी कंप्लीट भी नहीं कह सकते हम, तब तक और 10-15 हजार की वैकेंसी जो है क्रिएट हो गई। इसका मतलब वो जब वो दोबारा रिक्रूटेशन जाएगा तो फिर वो दो साल लेंगे। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि जब एकेडमिक ईयर स्टार्ट होता है, जैसे अप्रैल में शुरू होता है, उस वक्त 0 वैकेंसी हो। तो ये मुझे लगता है काफी सीरियस इश्यूज हैं और इसमें कुछ इस तरीके के भी इश्यू हैं कि जो अपर एज है वो थोड़ी सी बढ़ानी चाहिए और जल्दी होना चाहिए रिक्रूटमेंट, और जो अबंडेंट पोस्ट ऑफ एमसीडी पीआरटी इन गोइंग रिक्रूटमेंट साइकिल मस्ट बी फिल्ड। हाँ ठीक बात है, जब कोई वैकेंसी खाली होती है तो उसको तुरंत भरना चाहिए। एक्चुअली मतलब प्रोसीजर इस तरीके का होना चाहिए कि वैकेंसी खाली होने से पहले ही दूसरा व्यक्ति जो है तैयार रहना चाहिए और जिस दिन वैकेंसी होती है उसी दिन वो फिलअप होनी चाहिए। एक कोर्ट के जजिस के मामले में हमारे एक केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके का ऑर्डर किया था कि लेबर कोर्ट और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के अंदर एक दिन भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जो है वैकेंसी खाली नहीं होगी, पहले से आप प्रोसीजर करो। जब से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया तब से हम देख रहे हैं कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट है लगभग दूसरी अपॉइंटमेंट रेडी रहती है जब पहला आदमी वहां से जाता है। तो इसी तरीके का हमारे टीचर्स के अंदर भी हो सकता है। और फिर जो टाइम लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि डीएसएसबी के डोजियर्स भेजने के बाद भी, ये बहुत बुरी बात है और ये ऐसा लगता है जैसे कि कोई इनको हमारे जो बच्चे हैं सरकारी स्कूल में, जो गरीब बच्चे गरीब लोगों के बच्चे होते हैं उनके प्रति कोई ज्यादा जो है चिंता नहीं नजर आती है। और ईयरली होना चाहिए, टाइम से होना चाहिए, और देयर शुड बी ए सिंगल एग्जाम फॉर ए पर्टिकुलर पोस्ट दैट टू मस्ट बी कंडक्टेड इन ए सिंगल शिफ्ट ओनली। हाँ ये भी ठीक है कि एक एग्जाम हो और एक ही शिफ्ट के अंदर हो। रिक्रूटमेंट प्रोसीजर शैल स्ट्रिक्टली बी फेयर अकाउंटेबल, नेचुरल है कि कोई भी प्रोसीजर होता है वो अकाउंटेबल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए उसकी। तो हम आप जो हमें दे रहे हैं ये हम अपने एक लेटर पैड पे लगा के इसको जो है दिल्ली के मुख्य जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं माननीय उनको हम भेजेंगे और उम्मीद करेंगे कि वो इस पे कार्रवाई करें। सर हमने एक ही इनकी एक प्रति सीएम उसमें भेजी हुई है और उसका भी मेरे पास फोन आया था पर्सनली, परंतु ब्लैक एंड व्हाइट कुछ नहीं आया मेरे पास, उसके लिए भी कुछ कार्रवाई हो सकती है? हाँ जरूर करेंगे, कुछ ना कुछ जो भी पॉसिबल होगा। सैलरी होती है सर प्राइवेट स्कूल में, हाँ हाँ बहुत कम सैलरी रहती है टीचर, हाँ हाँ और साइन ज्यादा पे करा लेते हैं कम देते हैं या मतलब अकाउंट में डाल के फिर वापस ले लेते हैं, तो इनके खिलाफ क्या क्या लगता है? देखिए इसके बाद जो हमारे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का भी एक रिपोर्ट था 2010 के अंदर, जब उन्होंने 25 स्कूलों को इंस्पेक्शन किया था ऑडिटर पहली टाइम, जबकि उनको 1973 से लगातार हर साल करना चाहिए था, वो भी कोर्ट के प्रेशर की वजह से। और उन्होंने देखा था कि किस तरीके से ये जो प्राइवेट स्कूल के लोग हैं टीचर्स की सैलरी को किस तरीके से हड़पते हैं, उनका सैलरी का चेक जमा करने के बाद भी उनका चेकबुक भी अपने पास रखते हैं, उनका पासबुक भी अपने पास रखते हैं, और लगभग 60-70% जो सैलरी उनके दिखाते हैं ये वो वापस ले लेते हैं ये। और ये कोई छोटे मोटे स्कूलों की बात नहीं है, दिल्ली के हमने देखा ऐसे बड़े बड़े प्रेस्टिजियस स्कूल वो सब यही करते हैं। तो जो प्राइवेट स्कूल है ना वो तो आप देखिए ना एम्प्लॉयज को भी लूट रहा है वो, सरकार को सस्ती जमीनें पे जगह लेकर इनकम टैक्स ना देकर
और दुनिया भर की और सुविधा लेके सरकार को भी लूट रहा है और जो पेरेंट्स हैं उनको भी लूट रहा है मनमानी तरीके से फीस बढ़ाकर टीचर्स को जो है पूरी सैलरी नहीं देता है, है? तो ये एक तरीके से बहुत ही उसका इलाज सिर्फ ये है, सिर्फ और सिर्फ इलाज यही है कि जो हमारे प्राइवेट जो गवर्नमेंट स्कूल है वो इस तरीके से इम्प्रूव हो। जैसे हमारा कहना ये है कि हिंदुस्तान के सारे स्कूल जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनका कम से कम जो है ना वो जो है केंद्रीय विद्यालय का लेवल होना चाहिए, उनको सबको केंद्रीय विद्यालय बना देना चाहिए। और मैं अक्सर ये कहता हूं कि अगर देश में हमारे सरकारी स्कूलों को केंद्रीय विद्यालय बना देंगे तो 48 घंटे के अंदर हिंदुस्तान में जो प्राइवेट स्कूल्स है ना उनके जो पेरेंट्स हैं 50% अपने बच्चों को 48 घंटे के अंदर विड्रॉ करके केंद्रीय विद्यालय में डाल देंगे। लेकिन जो हमारी सरकारें हैं ना उनका इस तरीके से मनमानी और डेलिबरेट जानबूझकर इस तरीके का ढांचा बनाना है जिसके अंदर तरीके तरीके के जो है स्कूल्स बने गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर, और जो आम आदमी का बच्चा है, जो मजदूर का बच्चा है, जो मासिस का बच्चा है, उसको वो इंटरेस्ट ही नहीं है। और उसी की वजह से आज देश के अंदर लगभग 10 करोड़ बच्चे आज जो है ना चाइल्ड लेबर है, किसी ना किसी वजह से घर में बैठे हुए हैं, स्कूल में व्यवस्था नहीं है। और जो हमारे सरकारी सिस्टम में जाते हैं है, उनकी एजुकेशन का जो लेवल है वो सारी दुनिया जानती है। आज दिल्ली के अंदर ही अगर हम देखें तो इवन दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल में भी आज 55,000 बच्चों की एनरोलमेंट लो हो गई है पिछले सालों से इस साल की, और जो कॉरपोरेशन की अगर लें तो वो भी लगभग 3-4 लाख एनरोलमेंट कम हो गई है। ये दिखाता है क्योंकि आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं इसलिए जो हमारे पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को वहां भेजना नहीं चाहते, या तो वो प्राइवेट स्कूल में भेज देंगे अगर अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं तो घर में बैठा लेंगे और चाइल्ड लेबर का काम लेंगे। तो ये एक बहुत ही दुखित सिचुएशन है जिसके अंदर मुझे लगता है कि सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए, और जो टीचर कम्युनिटी है उसको सोचना चाहिए। अगर उन्होंने नहीं सोचा और ये सरकारी स्कूल बंद हुए तो आने वाले वक्त में जो रिक्रूटमेंट जिसके लिए आप लोग इतना परेशान होते हो, है इंतजार करते हो, कॉलेजों में पढ़ाई करते हो, वो सब बिल्कुल बेकार हो जाएगा, आपका रिक्रूटमेंट ही नहीं होगा आने वाले वक्त में। इसलिए मुझे लगता है कि टीचर कम्युनिटी को खासकर एज ए लीडर इसको उठाना चाहिए और उन्हें जो हमारे गरीब के बच्चे जो पढ़ते हैं उनको सर एडमिशन भी नहीं देते स्कूल में, जैसे एक बार बच्चा फेल हो गया, टेंथ में फेल हो गया, आप जैसे बताते हैं कई बार, तो ये चीज भी बहुत गलत है, इसके लिए क्या किया जाता है? नहीं देखिए, ये तो सरकार की जो है ना नियत और जो उनकी पॉलिसी है, नीति और नियत दोनों चीजों को रिफ्लेक्ट करता है। और अभी हम दिल्ली गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो हमने पहले गवर्नमेंटों के साथ भी हमारी लड़ाई रही, लेकिन इस गवर्नमेंट से तो हमने ये देखा कि इन्होंने अच्छा रिजल्ट दिखाने के लिए ऐसे खराब खराब तरीके इस्तेमाल करे जिसमें पिछले 4 साल में 5 लाख बच्चे स्कूल से निकाले जिसमें से 4 लाख बच्चों को दाखिला ही नहीं दिया है, और इस तरीके के सर्कुलर्स निकाल दिए हैं, कहीं उम्र अपॉइंट लगा दी है, कहीं आपको कह दिया कि 2 साल अगर आप फेल हुए हैं तो आपको दाखिला नहीं मिलेगा। अभी नया इन्होंने ये निकाल दिया कि अगर आपके पास एड्रेस प्रूफ नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब दिल्ली के बाहर से कोई बच्चा अपने माँ बाप के पास दिल्ली में आता है और उसके पास एड्रेस प्रूफ नहीं है तो उसको दाखिला नहीं मिलेगा, नए बच्चों को लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये सब ये दिखाता है कि ये सरकार किसी भी तरीके से हमारे जो आम आदमी के बच्चे हैं उनको पढ़ाने में और अच्छी पढ़ाई देने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। इतनी बड़ी वैकेंसी पे 50% से भी ज्यादा वैकेंसी जिस सरकार के अंदर हो वो सरकार क्या मतलब उसकी कब क्या कहेगी, वो कौन सा वर्ल्ड क्लास स्कूल चला रही है, मुझे तो लगता है ये मिथ है टोटली। सर एक प्रश्न हो रहा हमारा कि जो सर बच्चे कुछ बच्चे केवी में सेलेक्ट हुए हैं, कुछ एमकेडी में सेलेक्ट हुए हैं दिल्ली में, तो वो दिल्ली आना चाहते हैं तो उसके लिए वो एक्सटेंशन मांगना चाहते हैं केवी, तो इसका कोई प्रोसीजर है क्या जो एक्सटेंशन मिल जाए? इसको तो टेक्निकली एग्जामिन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, काफी टेक्निकल इश्यू है। अच्छा एक सर बच्चे जो फेस कर रहे हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है उसमें एनओसी की बड़ी दिक्कत आ रही है, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग अंडरटेकिंग कि आई विल रिजाइन एंड आई विल ज्वाइन दैट, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट। नहीं अगर किसी अथॉरिटी से वो रिजाइन देके या एनओसी लेके आना चाहते हैं और नहीं दे रहा तो मुझे लगता है ऐसे लोगों को तुरंत कोर्ट में जाना चाहिए, कोर्ट उनको इंटरवीन करके एनओसी दिला सकते हैं। ऐसा कोई आयु सीमा में हो सकता है सर, कोई बदलाव हो सकता है क्योंकि अदर स्टेट्स में आयु सीमा बहुत है लेकिन दिल्ली के अंदर बहुत कम है टीचर्स के लिए। क्या चीज एज लिमिट
अब ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, लेकिन आप लोग अपना एजुकेट करिए, कन्विंस करिए। इसमें भी है, मैं लिखता हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर को, उनको एग्जामिन करना चाहिए। ठीक है, ओके जी, धन्यवाद, शुक्रिया आपका।